हाई बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू हॉक क्रिएशन। तो इस वीडियो में हम एमीवे बंटाई के रोको 2MG का ब्रेकडाउन करेंगे, जो कि किंग के ऊपर दिस है। तो सिर्फ उन्हीं बास को ब्रेकडाउन किया जाएगा जो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया है, बाकी सब तो समझ आ ही गया होगा। तो किंग ज्यादातर एमीवे को भाई करके बोलते हैं, तो एमीवे भी जवाब में ब्रो बोल रहे हैं। तो एमीवे कह रहे कि ब्रो मैं इस गेम में प्रो हूं, मतलब ये डिस ट्रैक के गेम में, और मेरी ये डिस से इनके बूमर हैंग हो रहे हैं। बूमर हैंग एक स्पीकर है जिसमें ये मेरे डिस ट्रैक सुन रहे होंगे, तो इनके स्पीकर हैंग हो जा रहे हैं और मैं करोड़ एक गाने का चार्ज करता हूं, ऐसा मार्केट में शोर है। ये शोर सुनकर ही लोगों का गेम यहीं पर ओवर हो गया है। जितना भी दूर फेंको तुझ जैसे नीच को लौट आए मेरे पास हाइप के लिए बूमर हैंग। तो वो बूमर हैंग था, उसकी स्पेलिंग अलग थी, और ये बूमरैंग है, इसकी स्पेलिंग अलग है, तो मतलब भी अलग है। तो ये वाला बूमरैंग एक जोरान की तरह होता है, जब आप उसको फेंकोगे एक ऐसे एंगल से जिससे कि वो वापस तुम्हारे पास ही आ जाता है। तो वही एमीवे कह रहे कि मैं इनको अपने से जितना भी दूर कर दूं, ये हाइप के लिए मेरे पास ही आ जाते हैं। बना डॉक्टर था इसलिए स्ट्रीट की लिखाई मेरी, समझे ना गहरा पंचलाइन ये नड़ा। तो एमीवे कह रहे कि मुझे डॉक्टर बनना था इसीलिए मेरी लिखाई स्ट्रीट वाली है, सड़कों वाली, रास्ते चल रही वाली, समझे ना ये पंचलाइन है। मतलब इसीलिए एमीवे ने डिस ट्रैक का नाम रोको 2MG रखा है, जो कि डॉक्टर लोग ही प्रेफर करते हैं। ये मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा हूँ। तो किंग ने एमीवे को यूट्यूब का रैपर बोला था, तो एमीवे किंग को यूट्यूब का सिंगर बोल रहे हैं, और ये रैप करते हैं जैसे कि कोई फनी थिंग, और रैप करके इसका मील मतलब मील के ऊपर कवर चढ़ाकर उसको पैक करूं जैसे बर्गर किंग। बर्गर किंग तो पता ही होगा, जहां आप जाकर बर्गर खाते हो। तो एमीवे कह रहे कि मेरी जो KOTS एल्बम थी उसमें मैंने दिखाया हूँ कि क्यों मैं हूँ स्ट्रीट का हसल किंग, तुम नहीं हो हसल के किंग। और किंग ने अपना डेब्यू किया था MTV हसल से, तो वहाँ वो जीत नहीं पाए थे, टॉप 5 में आए थे। और OG लोग हैं मेरे टच में, OG में एमीवे ने दोनों लोगों को गिनाया है, एक IK मतलब इमरान खान और दूसरे हनी सिंह। तो एमीवे कह रहे कि इनकी मैनेजमेंट ने मेरी टीम या मेरे कोई करीबी के पास कॉन्टैक्ट किया था ये पूछने के लिए कि एमीवे बंटाई डिस्क कब ड्रॉप कर रहा है। तो उन लोगों ने फिर मुझे बताया कि तुम्हारे मतलब एमीवे बंटाई के डिस से इनकी वॉट लगी पड़ी है, क्योंकि मैं कैसे टाइप करता हूँ वर्ड अपने डिस ट्रैक में और मैं इनको खत्म कर देता माइक पर, जैसे कॉनराड मरी। कॉनराड मरी का रेफरेंस दिया है, कॉनराड मरी ने एक को ओवरडोज मेडिसिन देकर उस पर हार्ट अटैक लाकर उसको खत्म कर दिया था। तो वही एमीवे कह रहे कि मैं भी उसके जैसा माइक पर खत्म करता हूँ लोगों को। एमीवे कह रहे कि तुम किसी की रखेल हो उसी में मौज करो, और इंटरव्यू में इमेज को स्पॉइल मत करो क्योंकि तुम्हारी स्माइल एल जैसी है। झूठ करे रैपर सो करे एल्युमिनियम फॉइल, ये तो समझ ही गए होगे। एमीवे कह रहे कि तुम रैपर आर वाले रैपर नहीं हो, W वाले रैपर हो, और तुम अपने झूठ को रैप कर देते हो, मतलब छुपा देते हो, और उसको छुपा कर रैप करके लोगों को मतलब पब्लिक को सर्व कर देते हो एल्युमिनियम फॉइल से। तो किंग ने अपने FCK में माँ पर गए थे, तो एमीवे बाप पर गए हैं। लोग बोले तेरे बाप को हमारी उनकी जींस बच जाती, इज्जत तू पैदा ना होता तो काश तेरा बाप ना उतारा होता जींस। तो ये तो समझ ही गए होगे, समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये समझ लो, यहाँ दो जींस की बात की जा रही है। पहले वाले में जी वाले जींस की बात हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली, और दूसरी में जे वाली जींस यानी कपड़े वाले जींस की बात हो रही है। अगेन नॉर्मल बाज। एमीवे कह रहे कि ये झुंड में आ रहे हैं डिस करने, मतलब किंग MC स्टैंड के साथ आए थे FCK वर्दे से में, और भी बादशाह रफ्तार कृष्णा ये लोग भी पोक करते रहते हैं। सो वही एमीवे कह रहे कि ये झुंड में आ रहे हैं साजिश करके। तो एमीवे कह रहे कि जो बीत गया मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देता, और कुछ दिन पहले किंग ने खिचड़ी वाली स्टोरी लगाई थी कि नो बीफ कैन सैटिस्फाई माय हंगर लाइक अ स्मॉल प्लेट ऑफ खिचड़ी डज। तो वही एमीवे कह रहे कि जाओ तुम खिचड़ी ही खाओ, वैसे भी इधर बीफ बैन है। तो बीफ का यहाँ दो मतलब है, एक नॉन वेज वाली बीफ और दूसरी डिस ट्रैक वाली बीफ। आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट बट माय फ्रेंड्स द गैप इज बिग, आई डोंट वांट टू डिस एनीवन cuz माय फ्रेंड द स्टैक इज। मेरी एक आदत है नंबर वन रैपर बनके रहना, मेरा एडिक्शन। सही बोला तूने, इस गैप इज बिग क्योंकि मैं रिचर्ड टू ले मेरा एडिक्शन। तो एमीवे ने रिचर्ड डिक्सन का रेफरेंस दिया है, क्योंकि किंग गैप की बात कर रहे थे कि उनके और किंग के स्टैट्स में कितना गैप है। किंग ने अपने पॉडकास्ट में ये कहा है कि मैंने गैप क्यों है इतना, तुम लोग दोनों के व्यूज और सब्सक्राइबर देखकर एवरेज निकाल लो। कि मेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर, तू फेम देख मेरा 10 साल में। मेरे भाई आप अपने 20 मिलियन सब्सक्राइबर देखो, आप अपने व्यूज देखो, आप उनकी एवरेज निकालो। मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे व्यूज देखो और उनकी एवरेज निकालो, और मैं कितना कंसिस्टेंट रहता हूँ कितना नहीं रहता, ठीक है। तो एमीवे बंटाई ने किंग की इस बात का जवाब अपनी इंस्टा स्टोरी से दिया कि एमीवे ने स्टोरी पर एक पोस्ट को रीशेयर किया जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि एमीवे बंटाई के यूट्यूब चैनल के लाइफ टाइम का व्यूज और किंग के यूट्यूब चैनल के लाइफ टाइम के व्यूज में कितना गैप है, और नीचे लिखा था कि सही में गैप इज बिग। तो एमीवे के टोटल व्यूज ऑलमोस्ट 4 बिलियन थे और किंग के टोटल व्यूज ऑलमोस्ट 2 बिलियन थे। तो किंग के सब्सक्राइबर 6.7 मिलियन है और एमीवे के 20
31.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो किंग ने कहा था कि दोनों का एवरेज निकालो और तुमको पता चल जाएगा कि किसके व्यूज अच्छे आ रहे हैं। तो जब हमने दोनों चैनल के रेशियो परसेंटेज में निकाला तो नंबर्स ये आ रहे थे, एमिवे का ये आ रहा था और किंग का ये आ रहा था। तो दोनों के स्टैट्स देखने के बाद एमिवे बंटाई का व्यूज कम आ रहा है किंग के व्यूज से, तो इसीलिए किंग ने कहा था कि द गैप इज बिग। तो एमिवे बंटाई ने रिचर्ड डिक्सन का रेफरेंस दिया जो कि गैप के सीईओ है और डबल मीनिंग वाला भी मतलब है। गैप की सोचा उस गैप में तेरे ले जाके एक जींस ला दूं। तो ये भी डबल मीनिंग है जिस गैप के बारे में बात हो रही है। तो एमिवे कह रहे कि तुमसे उस गैप को नहीं छुआ जा रहा है क्योंकि इतना ज्यादा गैप आ रहा है, तो मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जींस ला दूं। द स्टोरी इज नॉट अबाउट हु इज वर्स्ट और हु इज बेस्ट इन इट, इट्स ऑल अबाउट रैग्स एंड रिच, इट्स ऑल अबाउट फूड एंड स्प्लिट्स। पर्सन में कर्ट कमा के बचका नहीं, बात कर रहा इधर रैग्स और रिचेस, 100% सब चीज में कमा रहा मैं, भरा फुल स्टैक। तो एमिवे कह रहे कि ये लोग लेबल से साइन है, तो जब कुछ भी ये ट्रैक वगैरह डालते हैं तो कुछ लेबल के पास जाता है, कुछ और लोग लेते हैं, फिर कट छट कर इनको मिलता है। और मुझे देखो, मैं 100% सब चीज का कमा रहा हूँ, मेरा स्टैक्स फुल भरा पड़ा है। और ये बात कर रहे रैग्स एंड रिचेस की, रैग्स एंड रिचेस दो बंदे हैं जिनका एक म्यूजिकल ग्रुप है, उसी का रेफरेंस दिया था किंग ने। माँ को छोड़ दे वरना फिर ऐसी की कैसी है, वैसे मैं जुआ प्रमोट नहीं करता हूँ लेकिन आज खेलूं सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो किंग एमसी स्टैन के साथ माँ पर गए थे, तो वही एमिवे कह रहे कि उनको बीच में लाना छोड़ दे नहीं तो ऐसी की तैसी है। और ये दूसरी लाइन समझ में नहीं आई, या एमिवे जुआ खेलने लगे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि जैसे सट्टे में लोग बैट लगाते हैं पैसों की या फिर उस चीज की जिसकी यहाँ पर बातें हो रही है। अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तो कमेंट्स में जरूर बता देना, थैंक्स। उनके नाम इसका लगता है इसे पता नहीं जिंदगी इसकी तो रम्मी जैसी है, मैं भी फुल डीट बनूंगा महीप। ए बाबू ये बता मम्मी कैसी है। तो एमिवे कह रहे कि इनके पास कभी पैसा रहता है कभी नहीं रहता, क्योंकि ये सट्टेबाज है, उसमें जीतोगे तो रहेगा हारोगे तो खाली रहेगा। और एमिवे ने फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन महीप सिंह जिनका अभी एक शो आया था उनके वॉइस को यूज किया है, बहुत हिट गया था वो शो। मिले अली ने जब रैप में दे वन प्ले। तो एमिवे कह रहे कि जब ये रैप में खेलते हैं तब इनको एल मिलता है, और एमिवे एल यू एन डी के एक एक अल्फाबेट से मिलाकर राइम कर रहे हैं। अभी एल आया है, अब आएगा यू, फिर एन, फिर डी। तो एमिवे कह रहे कि ये मेरा बार है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया वाला, तुमसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। तो एमिवे कह रहे कि मैं तुम्हारे ट्रेंड को खत्म कर दूंगा शिकार की तरह, जैसे कि प्रे करता है। प्रे एक मूवी है जिसमें वो इंसानों का शिकार करता है, तो उसी का रेफरेंस दिया है। तो एमिवे के रोको 2MG diss track ने YouTube पर 13 घंटे में 1.1 मिलियन व्यूज 2 लाख लाइक के साथ में नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर से कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।